हेलो फ्रेंड, तो कातम स्पेशल में फिर से आपका स्वागत है। तो आज नया एक ब्लॉग बनाने जा रहा है। बहुत मच्छर है, तो ये अभी जंगल में है, खेत में। खेत माने कि पानी खेती नहीं, दूसरा जंगल में। तो कुछ प्लांटेशन के लिए आज इधर आया है। तो क्या प्लांटेशन करने जा रहा है आज दिखाऊंगा। देखते रहिए वीडियो को। एक नया आप लोग को एक नया नॉलेज दूँगा कि ये बिटल नट को कैसे नर्सरी किया जाता है। बेतलनाथ यानी कि तमुल, इसको हमारा लोकल लैंग्वेज में या असम में तमुल कहा जाता है। तो इसका नर्सरी कैसे होगा आप लोगों को आइडिया में बताऊंगा, देखिएगा। तो ये है जो एरिया है लगाने जा रहा है तमुल को। ये थोड़ा सा एरिया है, इसमें ही पूरा आपका 300-400 गुटी जितना ये तमुल है, बेतलनाथ जो है वो पूरा इधर अंदर घुस जाएगा। काफ़ी है ये, उससे भी ज़्यादा भी आ सकता है, इतना स्पेस है इधर। लेकिन इतना ही काट के रखा है, तो इसको एक साल तक रखेगा। एक साल रखने के बाद में जब बड़ा होगा इसको फिर दूसरा जगह शिफ्ट किया जाएगा उसका मिट्टी के साथ में। तो वो भी आइडिया बताऊँगा, तो देखते रहिए। जितना प्लांटेशन आज करना है, जितना गुटी है हम लोग का अंदर मिट्टी में डालने के लिए, तो ये और ये है इतना ही है। तो मोर देन 340, अराउंड 350 है, इतना ही आज डालेगा। तो ये साल के लिए इतना ही, अगला साल फिर अंदर 300-400 डालेगा। एक साथ में इतना नहीं कर सकते क्योंकि हम भी इतना मेहनत करने दिल नहीं है, बहुत बोरिंग वाला है। ऐसे है जैसे तैसे ये भी कर रहा है। तो इसका आइडिया आप लोगों को दिखाएगा, देखिए इधर। पहले इसको यहाँ एक गुटी, उसके बाद में थोड़ा मिट्टी बंद करेगा, बस इतना ही। तो नर्सरी के लिए काफ़ी सिंपल है, इतना ऐसा आइडिया नहीं है, इतना ये नहीं है कि तकलीफ नहीं है इतना मेहनत के लिए। बस थोड़ा गड्ढा खोदेगा, गुटी को डालेगा, बस बंद कर दे, बस इतना ही करना है। लेकिन इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है ऊपर से, नहीं तो अंदर वो एयर टाइट होके उसका वो सड़ भी सकता है, तो डिकम्पोज होने से तो बहुत लॉस का बात है वो अभी। उसको थोड़ा हवा भी मिलना चाहिए, बस थोड़ा से नॉर्मली ऐसे बंद कर दो, इतना ही हो जाएगा। तो एक साल के लिए ये परमानेंट है, एक साल तक यही रहेगा। उसके बाद में जब निकालेगा, सिर्फ ये गुटी नहीं निकालना है, इसके साथ में जो सराउंडिंग इसका मिट्टी है वो भी साथ में निकालना है, नहीं तो उसका रूट पूरा टूट जाएगा, तो वो मरने का चांसेस बहुत है उसका। तो मिट्टी साथ में ही आना चाहिए, और उसके बाद में एक साल के बाद उसको शिफ्ट करेगा दूसरा जगह, अनदर वन ईयर के लिए फिर ऐसे ही रखेगा। फिर एक साल रख के तीसरा साल में वो फाइनल होगा और वही परमानेंट होगा। उसको जो परमानेंट जगह लगाना है उसी में उसको थर्ड टाइम में लगाएगा अपना मेजरमेंट के साथ में। तो बहुत सिंपल है लेकिन मेहनत ज़रूर है इसमें, तीन साल तक ऐसे ही करते रहना पड़ेगा। तो इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा कि इसको चेंज करना चाहिए। बिना चेंज किए जो परमानेंटली दार एक बार में लगा के वो बड़ा हो जाता है पेड़, जो वो जो है लंबा होता है लेकिन उसका फ्रूट्स कम लगेगा, उसका फल कमती होगा, उसके बाद में वो बहुत लंबा हो जाएगा वो पेड़ जो, तो तोड़ने में भी दिक्कत होता है। और इसको जो तीन बार या दो बार ऐसे चेंज करता है इसको एक एरिया से दूसरा जगह, तो वो जो है छोटा होगा, नाटा होता है लेकिन उसमें फल बहुत लगेगा। इसका रीज़न ये है कि उसका रूट को दो तीन बार तोड़ना पड़ता है, उसका रूट को लंबा ऐसे ही रख देगा तो वो बहुत लंबा रह जाएगा। उसका जो ये का तमुल का पेड़ है लंबा होगा लेकिन उसका फ्रूट्स कम आएगा, तो इसलिए इसको जगह दो या तीन बार जैसे भी कंपल्सरी इसको चेंज करना पड़ता है। तो जिसका बगीचा नहीं है लेकिन समय कम पड़ता है, अपना घर में भी इसको जो करना चाहता है नर्सरी, उसके लिए भी मैं बता लूँगा। आप लोग को कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ऐसे यहाँ बागान में ही जंगल में जाके इसको करना है वो भी नेसेसरी नहीं है, उसको आप पॉलीबैग में भी भरा के उसका भी आइडिया है, तो कोई पूछेगा तो वो भी मैं बता रहूँगा। और इसका एक मेन जो आप लोगों को बताना है कि इसको कौन सा महीना में मेनली एक्चुअली लगाना पड़ता है। इसका मेनली जो समय है वो है अप्रैल या मई को, और मार्च को भी लगा सकता है। तो
तो ये 2-3 महीना जो है इसके लिए एकदम अप्रोप्रिएट वेदर क्लाइमेट जो ये है समय है इसका वो है। तो अभी तो फिलहाल जुलाई चल रहा है, थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन नर्सरी के लिए इतना कोई तकलीफ वाला बात नहीं। नर्सरी आप जुलाई अगस्त को भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया जो पहले कि जितना चेंज करना है इसको 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, वो चेंजिंग टाइम जो है जुलाई अगस्त को नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत मरने का चांस है। ये आपका जो नर्सरी किया हुआ थोड़ा जो बड़ा हो गया वो मर जाएगा, तो फिर आप लोगों का फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए इसको टाइम के साथ में ही बेटलनाथ को प्लांटेशन किया जाएगा। और भी जो कुछ पूछना है, डाउट है, क्योंकि स्क्रीनिंग करते हुए बात करना कुछ मिस भी हो जाता है, जो बताना चाहिए वो भी नहीं बता पाते हैं, इसलिए जो जिसको क्या पूछना है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, बताऊंगा। अभी तो फ़िलहाल इतना ही। तो अभी तो ऑलमोस्ट 50% तो चला गया, अनदर 50% है। तो ये मेरा हेल्पर है, और आप लोगों को बताया नहीं, एक्चुअली ये मेरा हेल्पर माने कि ये मेरा धर्म पत्नी है, कभी दिखाया नहीं इसको, कभी दिखाया नहीं, दिखाता तो है लेकिन बताया नहीं, इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो चेहरा दिखा थोड़ा जल्दी, इसलिए कोई कहता है बड़े बुजुर्गों ने कि जल्दी शादी नहीं करना चाहिए, हाँ वो भी है, मैंने तो जल्दी शादी कर लिया, लेकिन मेरा फ़ायदा भी है, हमको हेल्प मिल रहा है एक दोस्त जैसा, नहीं तो दूसरा से हजीरा बुला के आदमी बुलाने से तो मेरा बहुत पैसा जाना था। तो खुद का बीवी है, साथ देता है, अच्छा बात है, आप लोग भी ऐसा होना है, जल्दी जल्दी शादी करके अपना अपना से काम बढ़ाना है। तो फाइनली फ्रेंड हो गया, कंप्लीट हो गया जितना लगाना था हमारा ये बेटलनट का काम। अभी तो घर की ओर चलेंगे, तो अभी जा रहे हैं, रास्ता में है, पूरा गर्मी से पसीना से लथपथ हो गया। अभी बेम्बू शूट ढूंढना पड़ेगा, यहाँ बेम्बू बागान में आ गया है, अभी सीजन है बेम्बू शूट का, तो बेम्बू शूट भी अभी जो हमारा यहाँ आसपास में जो नज़दीक का है वो अभी समय है उनका जुलाई अगस्त को, लेकिन जो पहाड़ का बेम्बू शूट होता है वो आपको मिलेगा अगस्त लास्ट आइडर सितंबर को, फर्स्ट सेकेंड वीक तक मिल जाएगा। तो अभी घर का आसपास ही है, दूर नहीं है, पहाड़ एरिया में तो नहीं है, तो अभी यहाँ थोड़ा ढूंढ लेगा बेम्बू शूट। ओ वहाँ दो तो दिख गया, दिखाई दिया है यहाँ पे दो, तो देखिए धड़ाधड़ काटने लग गया, वन गॉन और ये सेकेंड, इसको कोबार को सफा करके ले जाएगा। यहाँ एक लंबा वाला बहुत टेस्टी चीज़ है ये, इसको आप मीट के साथ भी बॉईल करके खा सकता है। अगर प्योर ऐसे नीट खाली भी खा सकता है। बस अभी इसका कवर कैसे सफ करता है, जो आप लोग भी बेम्बू शूट कलेवर से अभी ढूंढने जा सकता है, एग्जैक्ट समय है अभी, पहाड़ में नहीं जो आसपास का एरिया है उसमें जा सकता है, पहाड़ वाला अभी नहीं हुआ है, वो मैंने बताया पहले भी, वो अगस्त लास्ट या सितंबर को ही मिलेगा। तो ऐसे इसको कवर को साफ करके छिल के बस ये अंडर वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है वो बस खाने के लिए है, इसको अभी छोटा पीसेस में काटेगा, बस हो गया। तो एक बस्ता है लेके आए हम लोग, बस्ता तो इसमें बढ़ाएगा, अभी ऑलरेडी कितना मिल चुका है, इसमें भी है ज़्यादा नहीं, 4-5 पे वहाँ भी, तो इस इतना इनफ है, यहाँ से 5 तो मिला है, अभी जाएगा। तो टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही।